सुप्रभात बच्चों, मैं रमन सर, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम परीक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का दौरान कर रहे हैं। तो आज हम व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण का दौरान करेंगे। आइए बच्चों, पहले अविकारी शब्द का दौरान करते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं। जैसे इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। हिबा तेज दौड़ती है, मैं चुपके से उसके पीछे खड़ा हो गया, अनिल ध्यानपूर्वक पढ़ता है, संभवतः वह आए, कदाचित यह सत्य नहीं बोल सकता, शेर जोर से दहाड़ता है, धीरे धीरे चलो, मैं सचमुच नहीं जाऊंगा, आप यहाँ अचानक कैसे आए, तुम खेलने अवश्य जाना। अब आप ध्यान से देखिए और सुनिए। इन वाक्यों में तेज, चुपके से, ध्यानपूर्वक, संभवतः, कदाचित, जोर से, धीरे धीरे, सचमुच, अचानक, अवश्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। जैसे इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। तुम बार बार क्यों आते हो? भाई साहब आज आने वाले थे, वे अब तक नहीं आए, बच्चे तुरंत चले गए। इन वाक्यों में बार बार, आज, अब, तुरंत, ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि इसमें भी नाम से पता चलता है, ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। जैसे किधर जा रहे हो? उधर देखो, यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ, अंशु आगे चल रहा है, राघव अंदर सो रहा है। इन वाक्यों में किधर, उधर, यहाँ, वहाँ, आगे, अंदर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का अर्थ है क्वांटिटी अर्थात मात्रा। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या नाप बताते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखिए। बच्चा बहुत रोया, सोनिया खूब सोई, जरा सोच समझकर बोला करो, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बच्चों, इन वाक्यों में बहुत, खूब, जरा, उतना, जितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आज का कार्य जो आपको व्यावहारिक व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करना है, दाईं तरफ दौरान कार्य लिखिए, बीच में हेडिंग डालनी है अविकारी शब्द, दाईं तरफ दिनांक 11/2/2021। प्रश्न है, उचित क्रिया विशेषण शब्दों से निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए। क, बस में आग लगने पर सब लोग रिक्त स्थान उतर गए, रिक्त स्थान में आएगा जल्दी जल्दी। ख, धूप निकलते निकलते रिक्त स्थान बारिश होने लगी, रिक्त स्थान में आएगा बच्चों अचानक। ग, चीता सबसे रिक्त स्थान दौड़ता है, रिक्त स्थान में लिखिए तेज। घ, राधा रिक्त स्थान से निकल गई, यहाँ पर रिक्त स्थान में बच्चों तेजी शब्द आएगा। ड, मैं रिक्त स्थान सोकर उठता हूँ, यहाँ पर जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है तो जल्दी शब्द यहाँ आएगा। अंत में ब्लू एंड रेड करनी है।